सो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल। आई एम होस्ट सुशांत सज्जन फ्रॉम कर्नाटका बीदर। तो आज मैं आ चुका हूँ तेलंगाना में, और यहाँ पे सेल्स बनाने का तरीका कुछ अलग है एंड हमारे सिटी में थोड़ा सा अलग है एज़ कम्पेयर टू डिज़ाइन हो या फिर जो मटेरियल इस्तेमाल किया है यहाँ पे। हमारे यहाँ क्या करते हैं कर्नाटका बीदर में, नॉर्मल तरीके यानी कि रॉड और कबूतर जाली इस्तेमाल करके शेलूस बनाते हैं विद सपोर्ट देके गया है सीमेंट और मोर्टर की मदद से। यहाँ पे ब्रिक्स यूज़ किया गया। ओके, इसको सपोर्टिंग पर्पस ब्रिक्स दिया गया एंड नीचे बॉटम से लेके पूरा टॉप तक जो है ना आपको ब्रिक वर्क इस्तेमाल करने के लिए आपको देख सकते हैं। उसके बाद जो है प्लास्टर वर्क शुरू हो चुका है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये कुछ समथिंग स्टील टाइप का मटेरियल यूज़ किया गया इसको। एंड इसका प्रोसीजर, इसके अंदर क्या उन्होंने बार्स यूज़ किए हैं या नहीं, वो थोड़ा सा डाउट है। मे भी हो सकता है कि इसके बीच में ये जो है ना, ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है तो 5 mm पे क्या है अंदर कुछ तो रॉड होगा। एंड उसके बाद क्या है, इसके ऊपर सिर्फ सीमेंट वगैरह कुछ तो लगाए होंगे, वैसा भी हो सकता है या फिर इस तरह का प्लेट्स रेडीमेड में मिल जाएगा। अगर आपको मालूम है तो बता दीजिएगा ज़रूर। एंड किचन में शेल्व्स बनाना है तो कैसे बनाना, और बेडरूम में शेल्व्स बनाना है तो कैसे बनाना, वो आज आपको दिखाऊंगा। ये जो आप किचन प्लेटफॉर्म देख रहे हैं इसको भी सेम वही मेथड इस्तेमाल किया गया है। एंड एक डिफरेंट चीज़ वो है ना, ये ग्रेनाइट यहाँ पे भी सपोर्ट दिया गया है तो उससे एक फिनिशिंग आया है। ब्रिक वर्क इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपको एक महसूस नहीं होता है यहाँ पे ब्रिक्स यूज़ किया बोल के। ओके, तो देखने में भी आपको ऑड नहीं लगेगा एंड इसको कवर अप करने से और खूबसूरत भी दिख रहा है। बस मेन चीज़ जो है ये फिनिशिंग में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं शेल्फ स्टोरेज के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप जो विड्थ में दिया गया वो 3-3 फीट की दूरी पे दिया गया, ऑलमोस्ट सभी सेम है। एंड और उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी और थोड़ा मोटा रहना चाहिए बिकॉज इट्स माय ओपिनियन। एंड नेक्स्ट 1.5 फीट की दूरी पे क्या है, इसको सपोर्ट रख के गया ताकि 1.5 फुट का कौन सा भी हाइट मटेरियल हो आप इजीली वहाँ पे रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ हॉल के अंदर कैसा बनाया गया। लेटर से यहाँ पे जो बनाया गया सेम जस्ट नॉर्मल तरीके से बनाया गया एंड दोनों तरफ से क्या है सपोर्टिंग दिया हुआ है, इसको ब्रिक सपोर्ट दिया गया दोनों तरफ से। एंड बीच में जो है सेम सिंगल वर्टिकल, आई थिंक वो रेडीमेड मिल रहे हैं आजकल ऐसा लग रहा है, और ये हॉल में बनाया गया। एज़ कम्पेयर टू हमारे वहाँ तो 100 rupees पर फीट के हिसाब से मिल जाएगा ऑलमोस्ट पर स्क्वायर फीट। ये मे भी थोड़ा सा कम हो सकता है डिपेंड, बट गिलावा तो बहुत ही मस्त किया गया वर्कर के द्वारा। यहाँ पे भी सेम वही मेथड इस्तेमाल हुआ है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करना चाहता हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो सही लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सपोर्ट द चैनल टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। हैव ग्रेट डे।